महुआ मित्रा, तो उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उनके जो शब्द रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मर्यादा से बाहर, जो करप्शन के रिलेटेड उन्हें एक मत से बाहर किया गया, ये लोग उनके संबंध में 100% कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे, तो ये इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और ये सभी पे देशद्रोह भी लागू होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ, जिस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इस देश के हर नागरिक की आस्था उस पार्लियामेंट से जुड़ी है। जिस जगह पे जाने से पहले हम माथा टेक के जाते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर माथा टेक के जाते हैं, तो लोगों का विश्वास उस पार्लियामेंट से कितना बड़ा होगा, कितनी अटैचमेंट उस पार्लियामेंट से हम लोगों को है। जब टेररिस्ट ने हल्ला किया तो उस दिन को आज तक इस देश का नागरिक कोई भूल नहीं सकता, पर इस देश का व्यक्ति अगर ऐसे पार्लियामेंट पे हल्ला करता है तो मुझे लगता है ये हमारे सभी देश के वासियों से उन व्यक्तियों का निषेध करते हैं। और मैं तो कड़ी निंदा करती हूँ इस दुर्घटना की, और मैं मांग भी करती हूँ कि पहले जिन लोगों को आज अरेस्ट किया गया है उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगना चाहिए, और उसके बाद इतनी कड़क इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिनको सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट से उनके रिलेटेड ये लोग हैं। और मेरा बहुत डैम आई एम वेरी श्योर कि ये लोग कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड होंगे, और इसी के कारण ये तरीके का दुर्घटना, हल्ला और आंसू गैस जो पार्लियामेंट में फेंके गए, ये उनके ही रोष का एक प्रतीक आज हमारे पार्लियामेंट में दिखा है। तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को, एक वो समय था जब टेररिस्टों ने हल्ला करके हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की, पर आज देश के कई लोगों को उनके करतूतों से पार्लियामेंट से बाहर किया गया, एक मत से मतदान हुआ और उनको बाहर 24 तक रखा, उसके बाद इस तरीके से रोष अंदर करना, मुझे लगता है मतदान करके अपना रोष कहीं पर भी कोई दिखा सकता है, पर पार्लियामेंट की, इस देश की जहाँ पर आस्था है, जिसको हम पवित्र मंदिर मानते हैं, जहाँ पर कायदा बनता है, देश जिस कायदे से चलता है, उस जगह पे इस तरीके से हल्ला कर, मुझे नहीं लगता है इस देश को कभी भी गर्व महसूस होगा। और ये सिर्फ देश की नहीं, हमारे देश के लोग जो ग्लोबल रहते हैं उन सभी के आस्था को, स्वाभिमान को आज ठेस लगने वाला दुर्घटना आज हमारे पार्लियामेंट में हुई है। आपका रुख किस सांसद की ओर? 100% जिनको सस्पेंड किया गया है उनका नाम बोलेंगे आप? मेरी कॉलीग है, और नाम बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता। हाँ, मेरी कॉलीग है, हम साथ ही बैठते थे, पर अपनी अपनी दृष्टियाँ, घर में भी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं रहती हैं, और एक आदि की विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, इसके लिए शायद एक मतों से उनको हाउस से बाहर किया है। तो ये उनके साथ में रिलेटेड संबंधित ये लोग होंगे। मेरा सीधा सा आरोप है कि उनके ऊपर देशद्रोह पहले लागू हो और उसके बाद इंक्वायरी हो।